जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत और बहुत आपका आभार है। दोस्तों, छींक किसे नहीं आती, मुझे हम सबको छींक आती है और कभी भी किसी भी वक्त छींक आ जाती है। बहुत से विद्वानों का, बहुत से लोगों का इस पर अलग अलग राय है, बहुत से शुभ, बहुत से अशुभ, और बहुत से लोग इसके बारे में कई सारी चीज़ें बताते हैं। और आप उसके लिए बहुत सी चीज़ें मुझे कमेंट्स में पूछी भी जाती है कि क्या छींक आना शुभ है या अशुभ है। तो इसी प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और प्रॉपरली बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मिलेगा, और आपकी ये भ्रांति जो है उसके बारे में भी आपका सही जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, उससे पहले एक आपसे छोटा सा निवेदन, हवाएं तेज जो इससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में लिखना है आपको जय 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 श्री महाकाल। और अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप आसानी से अपॉइंटमेंट लेकर उससे कर सकते हैं। चार्जेस लागू है दोस्तों, नॉमिनल शुल्क पे करके आप बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि छींक को बहुत से जातक शुभ मानते हैं, बहुत से लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन कितनी छींक आना शुभ है, कितना अशुभ है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि छींक जो है वो सामान्य जुकाम होने से ये एक अलग विषय है, लेकिन जो नेचुरली छींक आती है उस छींक की हम बात पहली बात तो कर रहे हैं। सर्दी हो जाना तो छींक स्वाभाविक सी बात है कि जुकाम में छींक आना एक स्वाभाविक क्रिया है, तो उसे सब शुभ और अशुभ की कैटेगरी में मत रखें, क्योंकि वो तो एक समस्या के लिए है। दूसरी बात होती है, एक सामान्य छींक होती है जो कि अनिश्चित वक्त होता है, किसी को 7 दिन में एक बार आती है, किसी को रोज आती है, किसी को 3 दिन में आती है। अपनी अपनी इम्यून सिस्टम, अपनी अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से छींक व्यक्तियों को आती है। तो सबसे पहली बात है कि अनिश्चित समय आती है, इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होती है। और जब भी कोई चीज़ अनिश्चित समय आती है, एक छींक अगर अनिश्चित समय आती है, तो बुजुर्ग, पुराने लोग, विद्वान जो भी है, वो ये उनका मत है कि उस वक्त के जो 2 मिनट है उसको टाल देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ अनिश्चित समय आई है वो एक संकेतिक तौर पर मानते हैं कि कुछ अशुभ ना हो जाए। जैसे घर से ऑफिस के लिए निकलते हुए छींक आ जाए, या कोई भी शुभ काम करते वक्त छींक आ जाए, उसे कंटिन्यू रखें, लेकिन 2 मिनट उस वक्त, उस समय को 2 मिनट उस वक्त को टाल दें। यही मेन काम है। उसके पीछे जो तार्किक बात भी अगर समझी जाए तो वो भी यही है कि छींक अनिश्चित समय आती है, और जब भी कोई चीज़ अनिश्चित होती है तो उस समय को टाल देना चाहिए जो पहले से डिसाइडेड नहीं है। माना कि वो एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, लेकिन हमें उसका सम्मान करना चाहिए। 2 छींक शुभ होती है। अच्छा लगा हो लाइक करें। जय महाकाल।